कैफ की फिल्म टाइगर 3 ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म को फैंस के साथ साथ समीक्षकों से भी काफी तारीफ मिली, तो वहीं दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म ने विश्वभर में 400 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म की कामयाबी के बाद सलमान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया तो कहा, कभी भी कामयाबी को अपने सिर पर हावी ना होने दें। देखो, मैंने उस वक्त जरूरी नहीं समझा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था और दिवाली थी, तो सबका इंटरेस्ट उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप में होगा और दिवाली पर कॉन्सेंट्रेशन होगा था, लेकिन उसके बावजूद हमारे नंबर्स जो आए हैं वो बड़े कमाल के आए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर वाले ने जो हमको और जोया को और अदि को और टाइगर की जो एक सीरीज और जो करियर बख्शा है, वो बहुत ही कम लोगों को ऐसा एक मौका मिलता है कि बार बार आए और बार बार इतना ढेर सारा प्यार मिले। तो उसके लिए हम बड़े ही खुशनसीब और खुशगुजार हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें तेज रफ्तार के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मैहर पहुंचे, यहां मां शारदा के दर्शन किए और जीत का भी दावा किया। भोपाल में नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा जिन बूथ पर थे कांग्रेस के वोटर वहां बीजेपी के इशारे पर कराया गया स्लो वोटिंग। भोपाल में रिजल्ट के पहले राम भक्ति में डूबी बीजेपी, सोशल मीडिया हैंडल्स पर बदला गया बैकग्राउंड, राम मंदिर के साथ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का लगाया गया पोस्टर। इंदौर में मां की डांट से नाराज होकर एक छात्रा ने आत्महत्या की, मां ने मोबाइल चलाने से रोका था, मामूली बात पर बेटी ने जान दी। मुरैना में हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूमता नजर आया युवक, युवक की पुलिस से हुई झड़प, पुलिस ने छीनी रिवॉल्वर। बालाघाट में धान के भंडारण में लापरवाही, भंडारण करने वाली कंपनी के डायरेक्टर सहित 3 पर मामला दर्ज, कंपनी की लापरवाही से 39 टन धान हुआ था खराब। उज्जैन में स्कूल में छात्र को बेरहमी से पीटा गया, छात्र के हाथ और पैर में आई चोट, जिला अस्पताल में कराया गया छात्र को भर्ती, प्रिंसिपल पर पिटाई के आरोप। सतना के पिपरी कला गांव में बंद कमरे में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, महिला घर पर रहती थी अकेले, पति और बच्चे नागपुर शहर में रहकर करते थे काम, पुलिस ने की जांच। भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण से राजधानी के लोग हुए परेशान, खराब सड़कें और कचरा जलाने को लोगों ने माना बढ़ते वायु प्रदूषण का जिम्मेदार। रीवा शहर के सिविल लाइन कॉलोनी में निर्माणाधीन खुले टैंक के अंदर एक नील गाय गिर गई, सूचना पर वन और नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा। बुरहानपुर में डैम निर्माण में अधिग्रहित खेती की जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर 1500 किसानों ने राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह की मांग की अनुमति। इंदौर में फर्जी फूड अधिकारी ने 5 महिलाओं से की शादी, फूड अधिकारी बनकर महिला को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर की शादी। ग्वालियर में लापरवाही से बिजली कर्मी की जान गई, बिजली कर्मी करंट की चपेट में आया। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, सौंसा गांव में आवारा कुत्ते ने बच्चे को नोचा, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल की 692 लोकेशन से हटेगा अतिक्रमण, एनजीटी की फटकार के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट। ग्वालियर में डेंगू के 25 नए मरीज मिले, जयरोग्य और जिला अस्पताल में 82 सैंपल की हुई जांच। एमपी के कई शहरों की हवा हुई जहरीली, ग्वालियर का एक्यूआई पहुंचा 345। एमपी में मौसम फिर लेगा करवट, अगले 3 दिनों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑगर मशीन तैयार, फिर से शुरू होगा ऑपरेशन जिंदगी, उत्तराखंड सरकार ने कहा 14 मीटर होना है स्कैप टनल का काम। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।